दो पार्टिकल हम लोग बोथ हैव द सेम मोमेंटम, मतलब दो पार्टिकल हैं तो एक की पहले वाली की काइनेटिक एनर्जी ई वन इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर या पी स्क्वायर अपॉन टू एम वन, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी। दोनों का जो मोमेंटम है सेम है, बोथ हैव सेम मोमेंटम बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ई वन एंड ई टू। अब मासेस, पहले वाले का मास अधिक है तो दूसरे वाले का मास कम है, तो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी यहां से कंपेयर कर सकते हो, देखो मोमेंटम सेम है तो जिसका मास अधिक होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो पहले वाले की मास अधिक है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, दैट ई वन इज लेस देन ई टू, ई वन इज लेस देन ई टू, फर्स्ट ऑप्शन सही है।